बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सीस तुलबा, अस्सलामु अलैकुम। आज यूनिट 3 की हम एक्सरसाइज पढ़ने जा रहे हैं, तो आइए शुरू करते हैं एमसीक्यू से। द IPv4 यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 एड्रेस इज मेड अप ऑफ डैश बाइनरी बिट्स। ये कितनी बाइनरी बिट्स से मिलके बना हुआ है? ऑफ कोर्स 32 बिट्स। नंबर टू, राउटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ टेकिंग डेटा फ्रॉम वन डिवाइस। राउटिंग एक अमल है जिसमें एक डिवाइस से आप डेटा लेंगे एंड सेंडिंग टू अनदर डिवाइस इन डिफरेंट नेटवर्क। एक डिवाइस से आप डेटा लेंगे और मुख्तलिफ डिवाइस पे भेजेंगे जो किसी दूसरे नेटवर्क पे होगी। DHCP स्टैंड्स फॉर डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, जो IP एड्रेस को एलोकेट कर रहा होता है। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स कवर, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स क्या क्या काम करते हैं? एथेंटिकेशन करते हैं, एरर डिटेक्शन करते हैं, करेक्शन करते हैं। यकीन ये सारे के सारे काम ही करने पड़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, द रिसीवर मस्ट बी कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग द। रिसीवर ने क्या करना है? मैसेज को एक्सेप्ट करना है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन, ए डैश इज ए कंप्यूटर डिवाइस दैट एक्सेस सर्विसेज मेड अवेलेबल बाय ए सर्वर। एक ऐसा कंप्यूटर जो सर्वर की तरफ से मुहैया किया की गई सर्विसेज को अवेल करे, उसे हम कहेंगे क्लाइंट। नंबर टू, डैश अलाउ यूजर्स टू कम्युनिकेट यूजिंग ईमेल न्यूज ग्रुप। यकीनन ईमेल सर्वर्स का काम है ईमेल्स और न्यूज ग्रुप की मदद से कम्युनिकेट करवाना। वेब ब्राउजर एंड वेब सर्वर फंक्शन टुगेदर एज ए क्लाइंट सर्वर्स। ए प्रोटोकॉल डिफाइन डैश एंड डैश फॉर कम्युनिकेशन। यहाँ पे क्या आएगा? रूल्स एंड रेगुलेशंस। राउटर्स कनेक्टेड मल्टीपल नेटवर्क्स, काफी नेटवर्क्स को जोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एवरी डेटा पैकेट हैज हैंड। हर डेटा पैकेट पे क्या लिखा होगा? IP एड्रेस। अगर एड्रेस नहीं होगा तो यकीनी सी बात है वो डेटा डिलीवर ही नहीं हो पाएगा। IP एड्रेसिंग मस्ट बी अंडरस्टूड एज ए पार्ट ऑफ प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल का ही हिस्सा होता है। 8, ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। इन ए कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइसेस आर कनेक्टेड थ्रू कम्युनिकेशन चैनल्स। डैश एक्सेस सर्विसेज मेड अवेलेबल बाय सर्वर, क्लाइंट एक्सेस करेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ क्लाइंट एंड सर्वर्स कम्युनिकेट विद ईच अदर। क्लाइंट और सर्वर एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करते हैं? तो क्लाइंट सर्वर मॉडल होता क्या है? अगर आप किसी से कोई रिक्वेस्ट करें, वो आपकी कुछ सर्विसेज को सर्व कर दे, पूरा कर दे, तो आप वहां पे क्लाइंट कहलाएंगे। वो जो आपकी सर्विसेज को सर्व कर रहा है उसे हम सर्वर कहेंगे। इसी तरह अगर आप कंप्यूटर पे कोई मोबाइल पे गेम खेल रहे हैं, तो आप जो गेम खेलने वाले हैं आप कहलाएंगे क्लाइंट। वो सर्वर, वो कंप्यूटर जो आपको वो गेम प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज नोन एज सर्वर। अगर आप ईमेल इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका कंप्यूटर या आपका मोबाइल कहलाएगा क्लाइंट। वो सर्वर जहां से वो कंप्यूटर जहां से वो सर्विसेज इन्वोक हो रही हैं, आ रही हैं, उसे हम कहेंगे सर्वर। तो ये सर्वर क्या होगा? ए सर्वर प्रोवाइड सर्विसेज एंड क्लाइंट गेट्स दैट सर्विसेज। सर्वर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा और क्लाइंट उन सर्विसेज को लेगा। क्लाइंट इज ए प्रोसेस दैट एक्सेस ए सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सर्वर। क्लाइंट क्या होगा? एक प्रोसेस, एक अमल होगा जो सर्विसेज को लेगा। सर्वर क्या होगा? ए फिजिकल कंप्यूटर डेडिकेटेड टू रन सर्विसेज टू द सर्वर द नीड्स ऑफ इट्स क्लाइंट्स। अब ये अमल होता कैसे है? होता इस तरह से है कि क्लाइंट प्रोवाइड यूजर इंटरफेस। फॉर एग्जांपल, आप ईमेल वगैरह करना चाहते हैं तो आपके सामने एक यूजर इंटरफेस खुलेगा मोबाइल पे, जिसमें आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड लिखेंगे। जब आप पासवर्ड लिख के साइन इन का बटन दबाएंगे तो ये सर्विसेज, ये रिक्वेस्ट चली जाएगी सर्वर के पास। सर्वर क्या करेगा? आपकी मतलूबा सर्विसेज जो आप चाह रहे हैं वो आपको दे देगा। तो ये आपने याद कर लेना है क्लाइंट सर्वर क्या होता है।
क्लाइंट और सर्वर की डेफिनेशन इसमें याद कर लेनी है, इसके अलावा हाउ क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेट्स ये वाली लाइनें याद करनी। टेक्स्ट बुक में आप पेज नंबर 57 पे आपको ये मिल जाएगा, ये रेड कलर लाइन में मेंशन किया हुआ है, बाकी ये येलो और ग्रीन और ब्लू वाले ये जो नजर आ रहे हैं इन्हें आपने समझ लेना है। इसके बाद ये क्लाइंट की डेफिनेशन आप याद कर लेंगे, फिर इसके बाद ये येलो कलर लाइन में इसका प्रोसेस दिया हुआ है वो, और सर्वर की डेफिनेशन। तो आज आपके पास इतना ही काम है, इतनी हद तक आप याद कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।